बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग ये जो रोड आपको दिखा रहे हैं, ये रोड है गुरैया रोड। गुरैया रोड जो है, अगर इस रास्ते पे आप जाना चाहें और गुरैया गांव अगर आप पहुंचना चाहें तो ये रास्ता आपको मिलेगा। सबसे पहले आप सटेल रोड पहुंचें और सटेल रोड से जो पीताम्बरा मंदिर वाला रास्ता है वहाँ पर, जहाँ पर मंडी है उसके थोड़े से आगे आप चलेंगे तो वहाँ से गुरैया रोड के लिए एक रास्ता निकला हुआ है। जो आज हम लोग जा रहे हैं ये गुरैया रोड पर जा रहे हैं। गुरैया रोड जाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि इस जगह पर एक तो हम इस रोड आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये रोड आप देखिए कि इस रोड का डेवलपमेंट कितना हुआ है। अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो इस रोड का काफ़ी डेवलपमेंट अब होना शुरू हो गया है। और ये जो जगह है गौरैया और पीताम्बरा मंदिर के आसपास, ये जो छतरपुर शहर है उसके लिए उभरते हुए क्षेत्र हैं। यानी कि यहाँ पे कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, काफ़ी अच्छे मकान बनना शुरू हो गए। तो अगर आप इस रोड पे आना चाहें तो आप घूमने भी आ सकते हैं। और इसके आगे आपको एक गांव मिलेगा गुरैया गांव, जहाँ पे आपको पूरी गांव की ही फीलिंग है, यानी कि आप उसको गांव का मजा ले सकते हैं। और दूसरे तरीके से इसमें अगर आप चलें तो गुरैया देवी का एक मंदिर मिलता है, आप उसके दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो ये पूरा आपको गुरैया रोड दिख रहा होगा, नया डेवलप है, शहर से बिल्कुल पास है और आवास के लिए बहुत अच्छी जगह निकल करके सामने आई है। तो ये आप देखते चलिए, ये कुछ हाउसेस बने हुए हैं और सामने आपको ये दो कॉलोनियाँ दिख रही होंगी। ये आप कॉलोनियाँ देखिए, ये देखिए, ये जो नई कॉलोनी है, ये कॉलोनी डेवलप हो रही है, हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे मकान है, यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये अनसोल्ड है, अभी सोल्ड होने वाले हैं, दिखेंगे। और ये जो राइट साइड आपको ये कॉलोनी दिख रही है, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं, इस कॉलोनी का नाम है बसंत विहार। देखो दिख रहा है बसंत विहार, और बसंत विहार जो कॉलोनी है ये बहुत अच्छी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है। तो आप यहाँ पर भी मकान ले सकते हैं, अगर किसी को बुकिंग करनी है तो बसंत विहार में बुकिंग करें। शहर के बिल्कुल पास है और काफ़ी अच्छी तरीके से इसको डेवलप किया जा रहा है। आप आगे की ओर चलें, थोड़े से आगे की ओर आप चलें तो ये देखिए, यानी कि ये जो है मुख्य रोड से 2 किलोमीटर भी नहीं आपको जाना है और आपको आपको बिल्कुल बड़ी बड़ी जगह, लैंड खुला खुली जगह मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर आप शहर के अंदर देखें तो शहर के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या ये है कि शाम को हम घूमें कहाँ, बच्चे हमारे कहाँ खेलेंगे, किस तरीके से एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो सबसे बेहतर जगह जो हम लोगों को नज़र आई वो ये आई, गुरैया रोड आई। ये देखिए सामने आपको ये बिल्डिंग दिख रही है, गवर्नमेंट बिल्डिंग है यहाँ पे, और इसके आसपास भी बहुत अच्छा लैंड डला हुआ है, सामने खेती की जमीन है। लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, हम लोग भी यहाँ पे वॉकिंग के उद्देश्य से ही गए थे, लेकिन हमें ये जगह ऐसी लगी कि चलो हमें अपने यूट्यूब चैनल में ये दिखानी चाहिए, तो हम लोग इसको दिखा रहे हैं। तो ये देखिए लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और बिल्कुल शांति है यहाँ पे, मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और पूरी तरीके से हम इस जगह का एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए ये लोकल पेड़ लगे हुए हैं, बमूरा इन्हें बोलते हैं। आगे की ओर अगर आप चलें तो ये देखिए पूरा मैदान निकलना शुरू हो गया। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए आपको दिख रहे होंगे, तो यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पूरी जगह है। यानी कि हम लोग इस जगह पे पहुँचे तो एक चीज़ की फीलिंग जरूर आई कि हाँ, शहर के अंदर कुछ जगह ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जहाँ पे आप वॉकिंग कर सकें। ये देखो कुछ लोग अपने वॉकिंग करने जा ही रहे हैं। तो ये शाम का चूँकि समय है, और ये देखिए कुछ प्लॉट लोगों ने डाले हुए हैं और बहुत ही अच्छी जगह हम लोगों को ये लग रही है। और ये देखिए पूरा मैदान और सारा अनसोल्ड है अभी, मतलब बिका नहीं है इसको। अगर के यहाँ पे भविष्य में काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे डलेंगे, कॉलेज भी यहाँ पे डलेंगे। और ये जो सामने आपको जगह दिख रही है ये है रेलवे, ये हमारी रेलवे लाइन आ गई है। जैसे इसको आप क्रॉस करेंगे तो आप देखिए आपको कितना बड़ा लैंड इसके आसपास आपको देखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए रेलवे क्रॉसिंग है, जैसे इसको पास करेंगे आप तो ये रेलवे क्रॉसिंग स्पष्ट रूप से इस जगह को 2 भागों में बांट रही है। जैसे आप क्रॉस करेंगे तो सामने आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं कितना बड़ा लैंड है। और जो सामने आपको रोड दिख रही है ना, ये बिल्कुल पीताम्बरा मंदिर के जस्ट पीछे है। तो ऐसा नहीं है कि इसको आपको 2 रोड मिलेंगे, एक तो गुरैया रोड यानी कि किस रस्ते से आप आ सकते हैं, और जस्ट इससे 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर के आसपास आप देखें तो आपको पीताम्बरा मंदिर दिखना शुरू हो जाएगा। ये देखिए कितनी बड़ी जमीन यहाँ पर डली हुई है। तो मोटे मोटे तौर पर देखें तो काफ़ी अच्छा लैंड है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए दोनों साइड पूरा खुला हुआ है और यहाँ से गुरैया गांव की कुछ खेती होना शुरू हो जा रही है। तो काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ पे आके इन सब चीज़ों को देखें। हमारा जो उद्देश्य था वो यही था कि हम दिखाना चाह रहे थे कि समय पर कहाँ घूम सकते हैं, किसी जगह पर आप रह सकते हैं।
तो ये था हमारे चैनल की तरफ से एक छोटा सा प्रयास जो हम एक गुड़िया वाले क्षेत्र को आपको दिखा रहे थे। तो बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद। और आपको सर की वीडियो अच्छी लगती है।